चलिए अब इसमें क्या क्या आया है जरा देखते हैं हम लोग प्रत्युत्तर में। इसमें क्या आया है? छोटी। और इसमें क्या आया है? छोटा u। ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? u। क्या हो जाएगा? य है ना यहाँ। ई बड़ी u और छोटी से कोई विजातीय मिलता है तो य बनता है, लेकिन तो इसी में से बन रहा है ना, ई और उ मिल रहा है तो क्या बन जाएगा? ये यू बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? ये प्रत्युत्तर। समझ में आया? चलिए अब एक और उदाहरण देख लीजिए आप लोग। एक और उदाहरण देख लीजिए, स्वच्छ। इसको थोड़ा तोड़िए तो आप लोग। स्वच्छ को कैसे तोड़ेंगे? स्वच्छ विच्छेद करिए तो इसका क्या होगा? स्वच्छ क्या होगा? प्लस सुधान, सुधान प्लस सुधान अच्छ, सुधान अच्छ, यही होगा ना। अब इसमें क्या आया? छोटा वो आया है। यस सर। और प्लस यहाँ पे क्या आया है? और छोटा वो। तो इसमें से कोई है क्या? ये जो है इसमें से अलग है ना? नो सर। इसमें से अलग है ना? और तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या और का वो हो गया, हुआ है ना? यस सर। समझ में आया? यस सर। एक और उदाहरण, यस सर। एक और उदाहरण बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। स्वागत। इसका तो इसको तोड़िए जरा तो आप लोग। स्वागत। सुधन आगत। सुधन आगत। आगत। सुधन आगत। यही है ना? यहाँ पे क्या आया है? और यहाँ पे क्या आया है? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? वह हो जाएगा, है ना? यहाँ पे वह का वाह हो गया है, वह है ना? चल रहा होगा। समझ में आया? ब्लूटूथ का। समझ में आया? यस सर। आगे बढ़े अब। यस सर। यण संधि में किसी कोई समस्या? नो सर। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अयादि संधि, जो स्वर संधि का अंतिम भेद है, अयादि संधि। अयादि संधि। अब इसका नियम देख लिया जाए। पहले नियम क्या कह रहा है बुक में देखिए ध्यान से। ए ऐ ओ औ के बाद, देखिए लिख रहा हूं यहां पे, ए ऐ ओ और औ, इसके बाद कोई विजातीय, विजातीय मतलब जो ए ऐ ओ औ से अलग हो। ए ऐ ओ औ के बाद यदि कोई विजातीय स्वर आए तो ए का आय होता है। ए का क्या होगा? आय। ठीक है, और आय का आय, आय का क्या हो जाता है? आय। आय का आओ, आय और आओ का आओ। आओ। ठीक है, यही होता है। यदि ये अयादि संधि का नियम क्या है? यदि किसी पद का, सॉरी किसी शब्द का पहले पद का अंतिम अक्षर ए ऐ ओ औ और अंतिम पद का पहला अक्षर इनमें से अलग हो तो वहां पर ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। उदाहरण देखिए, नयन। उदाहरण देखिए, नयन। इसका विच्छेद करिए तो निधन अन। निधन निधन अन अन। अब यहाँ मिलाइए तो एक बार, यहाँ पे क्या आया है? ए आया है। ए। और यहाँ पे क्या आया है? आ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आए। आए। यहाँ पे आए है कि नहीं है?
यहाँ पे यस सर यस सर सही है। अभी छेद हमारा यस सर जांच हो गया इसका यस सर समझ में आ रहा है आप सबको यस सर यस सर मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको संधि बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही होगी तो बताइएगा ठीक है। अगला उदाहरण है पवन। पवन इसका विच्छेद करिए तो पोधन अन अन। अब थोड़ा सा मिलाया जाए इसको। इसमें क्या है ओ इसमें और इसमें क्या है ओ धन अ क्या हो जाएगा औ औ। तो यहाँ पे औ है कि नहीं है। यस यस सर है ना। इसका मतलब विच्छेद क्या है ये सही है सही है। आप लोग भी कोई परिभाषा दीजिए आयत संधि का और कोई उदाहरण दीजिए। नाविक नाविक चलिए नाविक इसका विच्छेद करिए तो नौ धन इक क्या होगा नौ धन इक इक सर नौ धन इक नौ कहाँ से होगा सर वो का ने धन इक होगा ना सर ना है ना इसलिए ने धन सर नौ धनी नौ अच्छा हाँ, नौ नौ तो क्योंकि ना है नौ होगा ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया है औ आया है और यहाँ पे क्या आया है ई आया है क्या हो जाएगा छोटी ई आओ क्या हो जाएगा फिर नाव है ना यहाँ पे यस सर ठीक। और कुछ कोई दिक्कत नो दिक्कत नो दिक्कत। अब आप स्वर संधि आपका यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में ठीक है। अब हमको व्यंजन संधि के बारे में पढ़ना है। नारायणी क्लास ज्वाइन नहीं करती है क्या इनकी सब पता नहीं। अच्छा सर मेरी क्लास की तो बहुत कम ही गर्ल्स ज्वाइन कर रही हैं। अच्छा अच्छा मतलब क्यों? मेरे सेक्शन ऐसा क्यों तो पता नहीं पूछना पड़ेगा पूछना पड़ेगा। फिर बाद में सब कहेंगे सर हम तो पढ़े ही नहीं हैं टेस्ट कैसे दें क्या करें फिर क्या होगा सर उनकी प्रॉब्लम है ना। पल्ला झाड़ रही हो बोल कौन चलिए अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। इसकी परिभाषा सुन लीजिए एक बार आप लोग ध्यान से। तो सुनाइए क्या होता है व्यंजन संधि 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 व्यंजन संधि। व्यंजन का किसी व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। ध्यान दीजिए सर एक बार और बताइए व्यंजन का व्यंजन समझ रहे हैं आप लोग क्या होता है। Yes, मतलब क से लेकर ज्ञ तक क्या कहलाता है ये yes, व्यंजन। अ से लेकर yes, तक क्या कहलाता है स्वर। तो व्यंजन का व्यंजन से अथवा व्यंजन का स्वर से मिलने पर मतलब किसी पद का किसी शब्द का पहला पद का अंतिम अक्षर व्यंजन हो और दूसरे पद का पहला पद जैसे मान लीजिए स्वागत मैं लिख रहा हूं पुस्तकालय ये पुस्तकालय एक पूरा शब्द हो गया ना ये एक पूरा शब्द हो गया yes, पुस्तकालय। अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा yes, सर पुस्तकालय पुस्तकालय ना। तो इसमें दो पद हो गए कि नहीं yes, हो गए दो sir. पद हो गया ना तो yeah, पहले yes, पद sir. का अंतिम और दूसरे पद का पहला यही मिलाया जाता है। ध्यान दीजिए पहले पद का अंतिम सर धन अ ही होगा नहीं तो यहाँ पे क्या आया है आ, ओ आया है ना आ, तो ऐसे yes, ही मतलब एक उदाहरण बताया हूँ आपको
ऐसे ही वहां पर होता है, मतलब व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं हम, उसको व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन। अब व्यंजन संधि के नियम हमको पढ़ना है कि व्यंजन संधि के नियम क्या क्या है। सर व्यंजन संधि के नियम, हाँ देखिए। अच्छा ये बताइए व्यंजनों में कुल कितने वर्ग होते हैं, बताइए तो। 11 5 5 कौन कौन से वर्ग होते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, क च ट प। उसके बाद क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं, उष्म होते हैं और संयुक्त होते हैं। संयुक्त। ये जो पांच वर्ग होते हैं इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। और इसके बाद जो य र ल वो है इसको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इसको अंतस्थ कहते हैं। स स स ह को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। स को क्या कहते हैं? स स स ह उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन। और ज्ञ त्र इसको क्या कहते हैं? संयुक्त। संयुक्त व्यंजन। समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए देखिए इसका पहला नियम क्या है, स्वर संधि का नियम नंबर एक क्या कह रहा है देखिए। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी स्वर अथवा, मतलब जो पांच वर्ग हैं इनका मेल, प्रथम वर्ण का मेल किसी स्वर, स्वर में मतलब अ से लेकर कहां तक, औ तक, या य र ल और व में से किसी वर्ण से होने पर वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। वर्ण मतलब, अरे ये वर्ण ही तो है, ये वर्ण ही तो कहलाते हैं, वर्णमाला को क्या कहते हैं, यही तो होते हैं वर्णों की माला को वर्ण बोलते, वर्ण बोलते, ठीक है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ कैसा, वागीस, मैं लिख रहा हूँ वागीस, वारीस, वागीस। इसका थोड़ा सा आप लोग इसको विच्छेद करिए तो वाक प्लस सर, वाक धन ईश प्लस वाक, वाक धन धन ईश, यही होगा ना। कौन बोल रहा है, बोल कौन वाक धन ईश। Yes, अब सोचिए यहाँ पर गो है तो यहाँ पर को कैसे हो गया, तो मन में आ रहा होगा विचार ना। Yes, तो देखिए व्यंजन yes, संधि का नियम क्या कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे को आया है और यहाँ पे क्या आया है, ई आया है, तो ये स्वर है कि व्यंजन है बताइए तो। व्यंजन। ये क्या है? तो इसमें नियम में क्या कहा गया था कि व्यंजन का व्यंजन से अथवा स्वर से मिलन होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वहां व्यंजन संधि कहते हैं। तो यह नियम नंबर एक में क्या बताया गया था कि जो पांच वर्ग हैं उनका मेल किसी स्वर अथवा य र ल व में से होता है तो वर्ण क्या होता है, बदल जाता है। तो देखिए तो ये क किस वर्ग का है, क किस वर्ग का है, कवर्ग, कवर्ग का है ना। और ये yes, ये स्वर yes, है कि क्या है, स्वर है, स्वर है, स्वर है। नियम में बताया गया था ना किसी स्वर अथवा य र ल व, तो स्वर में ये भी आ जाएगा। yes, sir. आ जाएगा ना। तो देखिए जब क जब क और ई मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा। नियम में बताया गया है कि जब क और ई मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा। इसलिए वाकीस का जब विच्छेद करेंगे तो वाक प्लस ईस होगा, लेकिन क और बड़ी ई मिलकर क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा। समझ में आया? यस सर। एक और उदाहरण देख लीजिए, एक बार और दिखा दीजिए, एक और उदाहरण देखिए।
जगदीश, इसको तोड़िए जरा आप लोग तो। सर जगत प्लस ईश जगत धनीश क्या होगा? जगत ऐसे होगा अलंत वाला और ईश। अब यहाँ पे व्यंजन है कि स्वर है? व्यंजन स्वर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? स्वर। स्वर देखिए। स्वर। अब जब त को ई से मिलाएंगे, जब त और ई मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ये द बन जाएगा। ये जब त और ई मिलेगा तो व्यंजन संधि के नियम के अनुसार ये द कैसे बनेगा? ये त वर्ग का है, त थ द। त वर्ग में कौन कौन से आते हैं बताइए जरा जल्दी से आप लोग। त थ ध न। नियम में कह रहा है कि जब इनका मिलन होगा तो वह क्या होगा? अपने वर्ग का तीसरा बन जाएगा, तीसरा शब्द। तो देखिए तीसरा है कि नहीं? एक दो तीन, तीसरा है कि नहीं है ये? तो मिलेगा तो क्या बन जाएगा? द बन जाएगा। इसलिए ये क्या हो गया? जगदीश हो गया। जगत और ईश मिलकर क्या हो गया? जगदीश हो गया। जगदीश। अब किसी को पूछना इसमें, किसी कोई समस्या? नो सर, नो सर। एक और उदाहरण बता रहा हूँ, समझिएगा उसको। एक उदाहरण और है, एक और उदाहरण है अजंत। अजंत इसको तोड़िए जरा आप लोग। आज प्लस अंत नहीं बाबू, क्या खा रहे हो? अच अच धन अंत। अब ये देखिए कैसे हो रहा है। ये च है और ये क्या है? है। ये च वर्ग है ना? ये च में, च वर्ग में कौन कौन से आते हैं जरा बोलिए तो। झ और इया। तो जब स्वर का व्यंजन का मेल स्वर से हो रहा है तो तीसरा वर्ग बनेगा ना? तो एक दो तीन, तीन क्या हो गया? ज हो गया है, इसीलिए अजंत हो गया है। समझ में आई बात? यस सर। ये समझ में आया? व्यंजन संधि का पहला नियम आपको समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब नियम नंबर दो पढ़ेंगे हम लोग। नियम दो पढ़ेंगे का पांचवा। नियम दो में क्या लिखा हुआ है? स्पर्श व्यंजनों में किसी भी वर्ग के पहले वर्ण, वर्गों की संख्या आप लोगों ने कितनी बताई है? फाइव। फाइव पहला अक्षर बोलिए तो सभी वर्णों का। क क च ट ट और क, यही होता है ना? यही होता है ना? देखिए, स्पर्श व्यंजनों में किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल न या म से हो तो, जब इनका मेल किससे होगा? न से हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाता है। तो अंतिम वर्ग क का क्या होगा? क का क्या हो जाएगा? अंग। च का अंग। यहाँ चौका बोलिए हो जाएगा सर। अड़ा। चौका नौ हो जाएगा। तो जब देखिए क च ट प प त प मिलेगा न और म से, तो अंग इया और ये नौ बन नौ और म बन जाएगा। देखिए एक उदाहरण तो जगन्नाथ। इसको तोड़िए तो
जगत प्लस नाथ, तोड़िए इसको, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ नहीं होगा ना, तो देखिए यस, अब इसमें बोला था कि जुड़ना जुड़ेगा तो बदल जाएगा, अब ये तो किसे जुड़ा है, तो नौ से जुड़ा है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो है और यहाँ पे क्या है नौ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंतिम मोड़ क्या होगा, तो वर्ग का नौ हो जाएगा ना, नौ बन जाएगा, तो इसीलिए क्या हो गया जगत नाथ, तो का नौ हो गया जगन्नाथ, दो नौ हो गया, ये तो का ये तो यहाँ पे आकर नौ बन जाएगा, नौ बना है ना यहाँ पे, समझ में आया सर, कुछ पूछना है किसी को इसमें, एक मौ पे बता दें आप लोगों को, एक मौ पे बता दें, चलिए यस सर बता दीजिए, सन्मार्ग देख लीजिए, सन्मार्ग आप तोड़िए इसको, तो सत धन मार्ग, सत धन मार्ग, सत धन मार्ग यही होगा ना, यहाँ पे क्या आया है यस मौ है, यहाँ पे क्या है मौ है, मौ, अब इस तो वर्ग का अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा नौ हो जाएगा ना, नौ नौ क्या हो जाएगा, ये सन्मार्ग हो जाएगा ना, ये देखिए तो का नौ हो गया ना यहाँ पे, यस यस सर, कोई शंका अभी भी हो तो बताइए, नो सर, ठीक है अगला बताएं नियम, यस सर, यस सर, अब नियम तीन पढ़िए, नियम तीन क्या कह रहा है, नियम तीसरा है तो या दो के बाद, लिख दे रहा हूं यहां पे, तो या दो के बाद यदि ज झ हो तो, ज और झ हो तो या दो दोनों ही ज में बदल जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ज हो जाएगा, यदि तो या दो के बाद ज या झ का मेल हो जाता है तो या दो ज में बदल जाते हैं, उदाहरण देखिए एक, नहीं मैं गलत बताया हूँ फिर से देखिए एक बार, नियम गलत बता दिया हूँ आप लोगों को, यदि तो या दो के बाद ल हो, यहाँ पे जो को मैं काट दे रहा हूँ, यहाँ पे ल ल हो तो क्या होगा, अगर ल होता है तो और दो जो होता है किसमें बदल जाता है, ल में बदल जाता है, ल में, तो या दो के बाद अगर लो का मेल हो जाता है तो या दो किसे बदल जाता है लो में, उदाहरण देखिए, उल्लास इसका विच्छेद करिए, तो इसका विच्छेद करिए, उद्धनलास, तो यहाँ पे क्या आया है तो है, यहाँ पे क्या आया है लो आया है, ठीक है क्या हो जाएगा ये ल हो जाएगा, यहाँ पे क्या जुड़ गया है ल जुड़ गया है, आई बात समझ में, यस सर, एक और उदाहरण देख लीजिए, उल्लेख, एक और बता रहा हूँ, उल्लेख, उल्लेख
इसको तोड़िए तो क्या होगा? उत धन ले, उत धन लेख लेख लेख। यहाँ पे तो आ गया, यहाँ पे लो आ गया, क्या हो जाएगा? ये लो हो जाएगा, यहाँ पे लो है ना। कोई दिक्कत? समझ में आया सबको? यस सर। चलिए आज इतना ही रहने दिया जाए। यस सर। कोई परेशानी? नो सर, बिल्कुल नो सर। चलिए सब समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं? यस सर। यस सर।